इस मुल्क में जो हमारी अफवाज ने और पुलिस ने अपनी शहादतों से दहशतगर्दों को शिकस्त दी है और दहशतगर्दों को इतना नुकसान पहुंचाया है। कल भी 5 दहशतगर्द हमारी अफवाज ने हलाक किए हैं साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में, जनूबी और शमाली वजीरिस्तान में, और इंशाअल्लाह ताला खैर है यार बोलूं, इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अमन और सुकून की फजा कायम होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, इंशाल्लाह दहशतगर्दी जड़ से हमने मंजूरी दी हुई है, हम यहाँ 100 ईगल स्क्वाड चलाएंगे। ये नाके नहीं कि गरीबों का सामान चेक करो और उनको सूंघते रहो, और फजूल थे ये सारे नाके, और 3 नाके रह गए। जिस दिन 1 बिलियन रुपीज हमें मदद मिल गई और 100 स्क्वाड हमारे फॉस और मॉडर्न गाड़ियां यहाँ चलेंगी, ये तीनों भी खत्म कर दूंगा। शेख साहब, आपने कहा थ्रेट से इस्लामाबाद वीडियो दीगर शहर होगी, इन थ्रेट्स के बावजूद पीटीआई के कारकुनों को रेड जोन, बहुत अफसोसनाक, मेरी बात सुन लिए, सवाल मुख्तसर सवाल करो ना यार, इतना लंबा टाइम है। यहाँ पे मुलाजमीन आए उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जब यार सवाल मुख्तसर करो भाईजान, मुख्तसर सवाल, मैं मुख्तसर ट्रिपल एस ओ मुख्तसर जवाब देता हूँ। जो कुछ असेंबली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहाँ पे करते। मैंने आईजी को बराह रास्त अंदर से फ़ोन किया जब मुझे पता लगा, काजी साहब को मैंने अंदर से फ़ोन किया, उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा किया मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने इसकी मजम्मत कर दी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, टीचर्स को तमाम मुलाजमीन से हमने मिलके उनके मामला तय किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में तनख्वाहों में भी इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे जनाजे में पहुंचना था।